प्रेमचंद की कहानियाँ आज़ादी से पूर्व भारतीयों के जीवन की समस्याओं को दर्शाती हैं और साथ ही उनकी कहानियाँ भारत के ग्रामीण जीवन के परिवेश को भी दर्शाती हैं। प्रेमचंद ने ना जाने कितनी कहानियाँ लिखी हैं जो समाज की कुरीतियों पर तंज कसती हैं। नमस्कार, एक कहानी किताब से के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास कर्मभूमि की कथा। कर्मभूमि जो एक राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमचंद का कर्मभूमि उपन्यास एक राजनीतिक उपन्यास होने के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को कुछ परिवारों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ये परिवार यद्यपि अपनी पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तथापि तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन में भाग भी ले रहे हैं। उपन्यास का कथानक काशी और उसके आसपास के गांव से संबंधित है। आंदोलन दोनों ही जगह होता है और दोनों का उद्देश्य क्रांति है, किंतु ये क्रांति गांधी जी के सत्याग्रह से प्रभावित है। गांधी जी का कहना था कि जेलों को इतना भर देना चाहिए कि उनमें जगह ना रहे और इस प्रकार शांति और अहिंसा से अंग्रेज सरकार पराजित हो जाए। इस उपन्यास की मूल समस्या यही है। उपन्यास के सभी पात्र जेलों में ठूस दिए जाते हैं। इस तरह प्रेमचंद क्रांति के व्यापक पक्ष का चित्रण करते हुए तत्कालीन सभी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं को कथानक से जोड़ देते हैं। निर्धनों के मकान की समस्या, अछूतों की समस्या, अछूतों के मंदिर में प्रवेश की समस्या, भारतीय नारियों की मर्यादा और सतीत्व की रक्षा की परीक्षा, ब्रिटिश साम्राज्य के दमन चक्र से उत्पन्न समस्याएं, भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड की समस्या, पुनर्जागरण और नवीन चेतना के समाज में संचरण की समस्या, राष्ट्र के लिए आंदोलन करने वालों की पारिवारिक समस्याएं आदि इस उपन्यास में बड़े तरीके से व्यक्त की गई हैं। अगर किताब की भाषा की बात करें तो किताब की भाषा बेहद सहज एवं सरल है। प्रेमचंद के दूसरे उपन्यासों की तरह यह उपन्यास भी बेहद सरल भाषा में लिखा गया है। प्रेमचंद के उपन्यासों में जिन बातों का उल्लेख किया गया था वे आज भी प्रासंगिक हैं। जरूरत है उन पर अमल करने की। अभी आपने सुना प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कर्मभूमि की पुस्तक समीक्षा। अभी लेते हैं आपसे विदा, फिर जुड़ेंगे साहित्य की दूसरी कहानियों की समीक्षाओं के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।